जी मैं इस वक्त रेलवे के यहाँ पे मौजूद हूँ, मुल्तान का रेलवे सेंटर है और ये पाकिस्तान रेलवे और ख्वाजा साद रफीक से मैं सवाल कर रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे ये बताएं, मैंने टिकट ली थी 31 तारीख को 14 तारीख की, मेरी टिकट घर पे खो गई है या गली में खो गई है? मेरे पास ये आईडी कार्ड है, इस आईडी कार्ड पे मैंने टिकट ली थी जनाब, ठीक है। अब मैं इधर आया हूँ, ये बैठे हुए महकमे रेलवे वाले, सारा स्टाफ खड़ा हुआ है, ये लोग खड़े हुए हैं, मुझे ये कह रहे हैं कि डुप्लीकेट नहीं मिल सकती। मेरा रिकॉर्ड यहाँ लैपटॉप में आ रहा है, मुझे ये कह रहे हैं कि हाँ आपका रिकॉर्ड लैपटॉप में है, आपकी टिकट भी है, लेकिन आप रेलवे में सफर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी टिकट खो गई है। तो फिर क्या फायदा इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, क्या फायदा इस प्रिंट का? मैं सवाल करता हूँ ख्वाजा साद रफीक साहब, ये जंगल का कानून नहीं चलेगा। मैं एक सहाफी हूँ, मैं इस आवाम का मसला उठा रहा हूँ, अगर इस आवाम के किसी की टिकट खो जाती है तो क्या सवाल आपसे कोई कर सकते हैं कि मुझे बताएं हम क्यों नहीं रेलवे में सफर कर सकते? जब मेरा ये आईडी कार्ड है, मैंने पैसे पे किए हुए, मेरी टिकट खो गई है, क्या मेरे से टिकट नहीं खो सकती? मेरा रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है, मैं पूरे रेलवे के निजाम पर सवाल उठा रहा हूँ, ये सवाल उठा रहा हूँ और मुझे इसका जवाब चाहिए रेलवे से। और एक मिनट साहब, आप लोगों का ही मैं मसला उठा रहा हूँ, मुझे आप लोग जवाब दे सकते हो कि ये क्या, कौन है इधर जवाब देने वाला? मुझे इधर जवाब चाहिए, इस मुल्क में ये कब तक चलेगा, कब तक हम पिसते रहेंगे? हम इस मुल्क में इसलिए पैदा हुए, कैद आजम में अल्लामा इकबाल है क्या इसलिए मुल्क बनाया था कि हम जलील उतरे? मैं आज टिकट लूंगा या मैं अपने आप को यहाँ आग लगा दूंगा, मुझे आज जवाब चाहिए। ख्वाजा साद रफीक साहब, इनफ इज इनफ, इस मुल्क में या हम आवाज उठाएंगे या अपनी जान दे देंगे, नहीं जीना ऐसे रोज के मरने से, रोज रोज जीने से, रोज रोज मरने से एक रोज का मरना बेहतर है। बहुत हो गया रेलवे, तुम ये लिखते हो से नो टू करप्शन, यही तो करप्शन है। ये क्या लिखा हुआ है, से नो टू करप्शन, यही तो करप्शन है कि एक बंदे ने टिकट खरीद ली है, उसकी टिकट गुम हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और कहते हैं। बताओ लोगों, आप लोगों के पास जवाब है, क्या मैं गलत हूँ? मुझे बताओ क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं एक एजुकेटेड जर्नलिस्ट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं इस मुल्क में आवाज उठाऊंगा या अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं जुल्म नहीं सहूंगा, मैं जुल्म नहीं सहूंगा। मेरे क्या कायद आजम अल्लामा इकबाल ने इसलिए मुल्क नहीं बनाया था। बाबा आप तो गुजर जाओगे, हमारा क्या बनेगा, आपकी औलाद क्या बनेगी?